बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम और आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके हम सब को अपने हिफ्ज व अमान में रखे और तमाम अर्जी व समावी आफात से बचाए रखे। आमीन अल्लाहिया आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो सीख कबाब है। इसके लिए ये मैंने बीफ लिया है, इसको अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। ये एक किलो है, ये मैं चापर में डालती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको करूँगी। ये एक किलो है, बाकी इसको मैं बाद में कर लूँगी। ये दो दरमियाने साइज के प्याज हैं, और उसके अलावा ये दो बूटे लहसुन के हैं, और एक जो है इंच पीस जो है अदरक का, और एक जो है टीस्पून वो अजवाइन है। ये पांच हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया है। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ, बाकी जो प्याज और गोश्त है उसके बाद मैं करूँगी। ये नमक हसबे जायका, दरफल मिर्च एक टीस्पून, और ये खुश्क धनिया है, ये तीन टेबलस्पून है, काली मिर्च वन टीस्पून, और ज़ीरा थ्री टेबलस्पून है, और साथ ही एक अंडा ये ऐड कर देते हैं। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। ये सारा मैंने कीमा बना लिया है मिक्सचर को कर। अब इसमें ये दो टेबलस्पून जो घी है ये ऐड कर देती हूँ, और ये नींबू, ये छोड़ देती हूँ, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दूँगी। तकरीबन एक घंटा के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये नरम हो जाए, बहुत अच्छे कबाब बने। सुबह बहुत गर्मी थी, अब मौसम कदरे बेहतर हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे, अपनी रहम कर दे, और गर्मी का जो जोर है ये टूट जाए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, फिर इसे एक घंटे के लिए रख देना है। कीमा हमारा नरम हो गया, ये थोड़ा सा कीमा मैं इसको इस तरह मुट्ठी में लेती हैं, ऐसे लें और इसको ऐसे कर लें। फिर ये पेंसिल, ये लेड पेंसिल है, इससे ऐसे सीखें बना लें। इसको ज़रा जितनी पेंसिल है कोशिश करें बारीक और बड़ा हो, क्योंकि जब हम इसे ऑयल में डालते हैं तो ये श्रिंग हो जाता है। ये इस तरह, और आराम से इस तरह इसी तरह सारे कबाब बना लेते हैं। ये मैं एक और बनाती हूँ, इसको मुट्ठी में ये किया, फिर ऐसे रोल कर लिया। ये ज़रा मुश्किल होता है लेकिन जब प्रैक्टिस होती है हो जाता है। ये हमारा वैसे पेंसिल को निकाल लिया, और इसी तरह सारे तैयार कर लेते हैं।
ऑयल हमारा गर्म हो गया और ये जो कबाब बनाई है मैं डाल देती हूँ आराम से। इसी तरह सारे पेंसिल्स आपके पास अगर सीखे नहीं है तो आप पेंसिल से बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारे ब्राउन हो गया दोनों तरफ से। अब ये मैंने शैलो फ्राई किया लेकिन बाकी जो कबाब है वो मैं डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई जो ज़्यादा अच्छे बनते हैं और जल्दी बनते हैं। आराम से इनको निकाल लें सारे से निकाल लेती हूँ। ऑयल मैंने डाल दिया गर्म हो गया। अब इसमें ये जो कबाब बनाए हैं सीख कबाब मैं डाल देती हूँ एहतियात से। ये कच्चे कीमे ही होते हैं इसलिए ये पानी भी छोड़ते हैं। ये ऊपर जाग जो भी है पानी में सूख रहा है और साथ खुश्क हो रहा है और ऑयल भी जो हमारा वो भी ख़राब होता है। इतिहास से इनको चेक कर लेते हैं। ये एक साइड ब्राउन हो रही है दूसरी साइड कर लेते हैं। अब जो ये हो गए इनको आराम से निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे निकाल लेते हैं और फिर साथ दूसरे डाल देते हैं। बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये हम पैन में भी बना सकते हैं। वैसे हम इनको इन पर बनाएं तो बहुत मुश्किल काम होता है। अब बोल डाल दिए हैं इनको चेक कर लेती। साथ साथ मैं निकालती जा रही हूँ डालती जा रही हूँ। अब ये हो गए इनको किसी छलनी में रख दें कि इनका ऑयल जो है ना पहले निकल जाए। कबाब मैंने बना लिए हैं और ये कोयले मैंने देखा लिए हैं ये इसमें रखती हूँ। ये कोयले का जो टेस्ट होता है बहुत मज़े का होता है मुझे तो बहुत पसंद है। अब ये थोड़ा सा ऑयल और ये ऊपर से दबा लें। ये मैंने ऊपर वजन रख दिया था कि ये दब जाए धुआं बाहर निकल ना पाए। 5 मिनट हो गए हैं इसको चेक करते हैं। बहुत अच्छी बदबू आ रही है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ।
ये मज़ेदार सीख कबाब तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।